योर मच टाइम, मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे शो में अपने अंदाज में। तो आज के इस एपिसोड में बहुत मस्ती होने वाली है, बहुत धमाल होने वाला है, आप लोगों को मजा आएगा, गॉसिप भी होगी, बातचीत भी होगी। सो फ्रेंड्स, जो आज के हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज ब्यूटीफुल लेडी, वो एक ब्यूटीफुल सोल है। यू नो, आज लगने वाला है टेलीविजन इंडस्ट्री का मसाला। क्या क्या क्या, जी हाँ, ये मसाला लग, क्योंकि हमारे साथ जो इंसान, जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है, वो बहुत अच्छी डांसर है, वो एक बहुत अच्छी, बहुत वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, उनकी तारीफ जितनी की जाए कम है, बहुत अच्छी वाइफ है, क्योंकि जितने भी लोग उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता है कि वो मतलब बहुत अच्छी वाइफ और एक बहुत अच्छी मदर है। तो अगर मैं ये सारे शब्द उनके लिए बोलूं, और बहुत सारी बातें मैं उनके बारे में कह सकता हूं, लेकिन समय का मतलब जो पाबंदी है हमारे पास, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इंटरव्यू शुरू ना कर पाऊं और उनकी तारीफ में ही हम एक घंटा निकाल दें। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, मैं उनका स्वागत करता हूँ हमारे शो में अपने अंदाज में। हालांकि मेरे को अच्छे जोक्स नहीं आते, तो आई एम फेमस फॉर माई पीजे। तो पीजे ये है कि सीआईडी में होता है 1-2 का 4, सीआईडी में होता है 1-2 का 4, पब्लिक कहती है ये दिल मांगे मोर। और आज हमारे साथ सारे केस सुलझाने के लिए आ रही है, वो है इंस्पेक्टर काजल उर्फ जसवीर कौर। जसवीर जी, मुझे माफ करना, आपका इंटरव्यू कौन लेगा जसवीर जी? ओह माय गॉड, संजीवनी बूटी इतना पावर है। ये तो ऐसा लग रहा है संजीवनी बूटी आ गई ना, एकदम प्राण आ गए। अब मैं और ज्यादा एनर्जेटिक हो गया, और मतलब सच बताऊं बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं शुरू से आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और ऑफिशियली मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया हमारे सभी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स, टीचर्स और जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, लेकिन आप ऑफिशियली उनको क्या कहेंगे सबसे पहले, उससे शुरुआत करते हैं। मैं पहले तो नमस्ते सबको, एंड पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगी कि थैंक यू कि आप अपने बच्चों को इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहे हैं, क्योंकि वो जो सीखते हैं वो आपसे सीखते हैं, और फिर उनके फ्रेंड्स जो हैं, जो यू नो एज संगत होती है, उनके साथ वो लोग क्या सीखते हैं। तो आपके ब्रिंग अप जितना अच्छा होगा ना, आप जिस तरह उनको बड़ा करोगे, जो सीख आप उनको लिटरली, बिकॉज मेरी 3 साल की बेबी है अभी, तो उसकी उनकी जो है वो 1.5-2 साल की उम्र से जो 7 साल की उम्र तक होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है, वो जो नींव बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, कुछ अच्छा सीख रहे हैं, वो सब आप लोगों की वजह से। सो टू ऑल द पेरेंट्स, थैंक यू टू ब्रिंग अप सच अमेजिंग किड्स, हमारा फ्यूचर यही है। एंड टू ऑल द किड्स, कभी रुकना नहीं है, चलते जाना है, उतार चढ़ाव जिंदगी में लगे रहता है, रुकना नहीं है, सो जस्ट मूव ऑन, आगे बढ़ते जाना है, कभी रुकना नहीं है। बिल्कुल सही बात, और एक बहुत अच्छी शुरुआत, एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ हमने इस एपिसोड की। तो कहते हैं ना, अगर शुरुआत अच्छी हो तो आगे तो बातचीत अच्छी होती है, तो एक अच्छे मैसेज के साथ हमने शुरुआत की है। तो जसवीर जी, एक बात बताऊं मैं से, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, एक बार राइट देखना, राइट राइट देखना, नहीं लेफ्ट लेफ्ट, हम थोड़े असलियत में इतनी, मतलब इतनी खूबसूरती, इतने सालों से अपने आप को कैसे कैसे मेंटेन रखा हुआ है। मतलब मुझे आज 2012-13-14 मतलब मुझे अच्छे से याद है, वो दिन जब मैं इंस्पेक्टर काजल को देखता था है ना सीआईडी में, 2009-11 हाँ वो, हाँ मैं तब छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। तो उस समय की बात है, मैं देखता था जब, तो मुझे ऐसा लगता था कि आज देख रहा हूँ तो सेम है, कुछ चेंज ही नहीं है, ऐसा कैसे? आई कैन से आई एम ब्लेस्ड, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, डोंट टॉर्चर योर बॉडी, आपकी बॉडी आपका एक टेंपल है, सो उसको आप जितना चेरिश करोगे वो उतना चेरिश आपको करता है। जसवीर जी, कई लोगों का टेंपल देखो, गुंबद इतने बड़ा हो गया है, मतलब इस चीज को समझो ना, मेरा तो ऐसा हो गया कि टीचर है, हनुमान जी भी हैं, थोड़े गणपति जी भी है ना। हाँ, तो मतलब मैं तो अगर मैं ही सोचूं कि अगर मेरी बॉडी है, मेरा टेंपल है, तो ये टेंपल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा टेंपल नहीं चाहिए हमें, भगवान तो हर जगह मौजूद है ना। हम वो माता को फॉलो करते ना, जैसे फिगर में खड़े रहते हैं ना। मेरे को कई लोग कहते हैं, कहते भाई भाई अभी आप ना दिखने में लाफिंग बुद्धा लगते हो, मैं ऐसे करके खड़ा रहता हूँ, कितना पॉजिटिविटी लाते हैं वो लाफिंग बुद्धा, आप घर पे रखते हो, यू नो आप मंदिर में, मंदिर पूरे
भगवान की मूर्तें मंदिर में रखते हो, लाफिंग बुद्धा शोपीस की तरह भी बाहर रखते हो और पॉजिटिव एनर्जी सी सो गुड कॉम्प्लीमेंट चाहते थे ना आप भी देखो इंटरव्यू में कितनी पॉजिटिविटी आ रही है भरी पड़ी है पॉजिटिविटी में तो मतलब अगर मैं आपसे शुरुआत से अच्छी बात करूं इतना एक तो अच्छे डांसर हो इतने अच्छे एक्ट्रेस हो इतनी इतनी सारी तरह के रोल किए हैं हर रोल के बारे में बात करूंगा इंस्पेक्टर काजल इज वन ऑफ माय फेवरेट इसलिए मैंने उससे शुरुआत की है ना तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है अगर मैं बात करूं उस टाइम से जब आप डांसर रह चुकी हो क्योंकि जैसे हम बात करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डांसर बहुत अच्छे हैं उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो उनको मार्गदर्शित करे उनको बताए कि हाँ भाई ये रास्ता है ऐसे अपने ड्रीम्स को आप फॉलो कर सकते हो तो उनके लिए आप क्या कहोगे See, हमने डांसिंग करियर बहुत लाइक आई विल से जब मैं बहुत छोटी थी तब तो लोग मुझे बोलते हैं हम आपको बचपन से देखते हैं क्योंकि मैं भी बचपन में ही थी तब तक तो उस वक्त ना ये सोशल मीडिया नहीं था इंस्टाग्राम बोलो ट्विटर बोलो या फेसबुक पेजेस बोलो या अभी जो स्टेज पर आ रहे हैं स्टार्टेड फ्रॉम मैंने खुद किया था एक से बढ़कर एक डांस रियालिटी शो 2008 में लकीली टच वुड उसके बाद फिर डीआईडी आया था और वो डीआईडी आकर अभी तो कितने डांस शोज आ गए प्लेटफॉर्म मिल गया है तो आई फील कि आप लोगों को स्टूडेंट्स इन टुडेज टाइम आप लोगों के पास प्लेटफॉर्म है हमारे पास नहीं था इसलिए बहुत लोग अगर मैं सिर्फ डांसर होके हो गया होता खत्म और एक्टर नहीं बनती आप मुझे नहीं जानते तो वो स्ट्रगल था तो आज जो आप लोग कर रहे हो ये स्ट्रगल नहीं है आप लोगों को बहुत आसान से मिला है ये सब तो चेरिश इट मैं भी कभी कभी सैड अगर फील करती थी पहले तो मैं पुराना सोचती थी फिर ऐसा लगता था यार उनसे तो बेटर हूं मैं मेरी लाइफ बेटर है मेरी चीजें बेटर है आज अब मैं यहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ मेरे साथ वाले कितने हैं जो गायब हो गए हैं पुराने एक्टर्स देख लो गायब हो गए हैं अगर हम चल रहे हैं सो आई से आई एम काइंड लाइक गॉड इज बीन रियली काइंड टू मी कि मैं आज यहाँ इस मुकाम पर बैठी हूँ और मैं इतनी हिम्मत रखती हूँ या इतना मुझसे आप पूछ रहे हो कि मैं दूसरों को कुछ पॉजिटिव एनर्जी दे सकती हूँ या कोई सीख बता सकती हूँ सो आप लोग सोचो आप कहाँ बैठे हो यू ऑलरेडी देयर आप एक वीडियो बनाओ आजकल रील्स बनती है वीडियो बनाओ एंड इट्स वायरल हमारे पास नहीं था तभी हम तो टिकटॉक सीखते सीखते टिकटॉक ही निकल गया मेरे नहीं पर मैं एक चीज देख रहा हूँ आप चाहे आपके टाइम में था नहीं था बट बखूबी निभा रहे हो आजकल के हर एक्टर एक्ट्रेसेस को आप पूरी टक्कर दे रहे हो मैं रोज लाइक कर रहा हूँ आपकी रील्स है ना चाहे सेट पे हो चाहे डांस हो टिकटॉक की कुछ वीडियोज भी आप शेयर कर रहे हो है ना तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि जनरेशन गैप है कुछ ऐसा महसूस तो नहीं होता जिस तरह आपको जनरेशन गैप नहीं महसूस होता मुझे जो लगता है देख के वो लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस जनरेशन को भी टक्कर दे रहे हो जो नई टिकटॉक और ये रील्स वाली जनरेशन है बिल्कुल छोटी छोटी सी जो बच्चे आई टेल यू हमारा जो जनरेशन है ना व्हाटएवर द एज जनरेशन हमने हमारे नानी दादी को देखा है हमारी माँ को देखा है और अब हमारे बच्चे देख रहे हैं अब पता नहीं फ्यूचर कितना चलेगा हम हमारे बच्चे के बच्चे देखेंगे तो हमारा जो जनरेशन को एक सहानुभूति मिली है एक पेशेंस दिया गया है ये भगवान ने क्रिएट किया है तो आप भी इससे रिलेट करोगे कि जब आप घर पे अगर माँ या नानी या दादी कुछ बात करती है तो आप समझाते हो क्योंकि आपको वो समझ मिली है हमारा ये जनरेशन है तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था जब मेरी माँ और मेरी नीस जो है बात करते थे दे यूज्ड टू आर्ग्यू एंड आई वाज लाइक मम्मा ऐसा नहीं है आई टू टेल माय नीस ऐसा नहीं है देन आई रियलाइज कि मैं बहुत अच्छे मकाम पर हूँ मुझमें वो समझ है कि मैं एक सीनियर इंसान को एक दूसरे एरा के इंसान को समझ रही हूँ और मैं एक न्यू जनरेशन को समझ रही हूँ तो ये जो हमारा जनरेशन में मिला है ना हम बहुत समझदार निकले हमने वहां से भी सीख मिली देखकर और हम जनरेशन जो नए हैं वो भी अटैप बहुत जल्दी कर लिए हाँ मैं ये नहीं मेरा इसलिए ज्यादातर आप देखोगे बिकॉज मैं शोज करती जो शूट करती हूँ साड़ी में रहती हूँ तो मैं साड़ी के दायरे में गाना करती हूँ तो जब साड़ी का नहीं होता है घर पे अगर करते हैं कहीं और करते हैं ना गेट इट अ डीसेंट आउटफिट अनदर आउटफिट जिसमें मैं मेरे चॉइस का रील्स करती हूँ अब मुझे कभी देखोगे नहीं कि मैं एकदम ये ऐसे कर रही ऐसे नहीं दिस इज नॉट मी तो मुझे अपने दायरे में रहकर अपने रिस्पेक्ट लेकर चलना मुझे अच्छा लगता है
ताकि आप देखो और बोलो वाह और नहीं कि ये क्या कर रही है. यू नो पीपल, हम वी से वी डोंट जज पीपल, हमें कोई हक नहीं है जज करने का, बट वो एक थॉट निकलता है कि क्या हो गया इसे, इसकी उम्र का तो ख्याल रखो. बट मुझे ये नहीं अच्छा लगता जब पीपल कमेंट करते हैं. फिर मैं ऐसे बोलती भाई आप कौन कमेंट बिल्कुल. मैंने नायरा के बाद 13 किलो पुट ऑन किया था, 13 किलो. सो आई नो कि एवरी वुमन गोज थ्रू इट, उनको डिप्रेशन होते हैं. टचवुड मुझे नहीं हुआ. मुझे पता है विशाल भाई भी बोलते हैं कि मेरी घरवाली जो है, मेरी वाइफ है, वो अलग है, है ना. लोगों को मूड स्विंग्स होते हैं, आपको मूड स्विंग्स नहीं हुए, है ना. बिल्कुल नहीं. लोगों को क्रेविंग्स होती हैं, आपको क्रेविंग्स नहीं हुई. कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ लिटरली. और सो शायद मेरा दिमाग इतना स्ट्रांग है. फिर मैं नीचे कमेंट लिखते थे बहुत मोटी हो गई, पतली हो जाओ. मेरे को ऐसा लगता था यार मेरा हस्बैंड तो मुझे अच्छे से खिला रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है. सो यू नो आई डोंट, मुझे ये पार्ट नहीं अच्छा लगता. आप कमेंट करते हो, कमेंट मत करो. आपकी कमेंट, क्योंकि एक औरत उस वक्त कहां किस मुकाम से गुजरती है ना, डिप्रेशन के, आपको नहीं पता. सो अदरवाइज ऑल्सो जैसे स्टूडेंट्स है, कम मार्क्स मिले हैं, ज्यादा मार्क्स मिले हैं, कोई देखो लुक्स एट टाइम्स, बट आई टेल यू आपके लुक्स फॉर एवर नहीं रहते. जो रहता है वो आपका दिल रहता है. कीप योर हार्ट ब्यूटीफुल. मैं तो मानता हूँ इस चीज, लुक्स में फर्क है. ये ब्यूटीफुल होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, आपका रंग क्या है, या आपका कद कितना है, आपका बॉडी कितना है. इट शुड नॉट मैटर. तब आप खुश रहोगे, और खुश रहोगे शक्ल पे दिखेगा. And then you live younger forever, I feel. बिल्कुल सही बात बोली. मतलब ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए, क्योंकि जिस एज के बच्चे भी हमें देख रहे हैं, जो एज, जो जनरेशन हमें देख रही है, उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आता है. उन लोग, उनमें ये होता है कि हाँ मैं कम सुंदर लग रहा हूँ, या मैं कम सुंदर लग रही हूँ, या वो ज्यादा बेटर लग रहा है. तो उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप जैसे हो, अगर वैसे रहोगे तो ज्यादा अच्छा है. आप अगर खुद को एक्सेप्ट करोगे ना, आपको दुनिया एक्सेप्ट करेगी. आजकल इंस्टा पे कितने लाइक आए हैं, कितना व्यू है, स्ट्रेस है, खाना नहीं जाया. इट्स ओके. मुझे, मैं पहले भी नहीं करती थी, अभी मेरी फ्रेंड बोलती तो मैं ट्रेंडिंग रील्स कभी कभी करती हूँ, पर मोस्टली मैं मना करती हूँ. मेरे पुराने आप अगर रील्स देखोगे ना, ट्रेंडिंग नहीं है. मैं इसलिए ट्रेंडिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मैं रेस में नहीं हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ. मुझे बहुत लोग जो रिकॉर्ड भी करते हैं मुझे पूछते हैं, मैम आप ट्रेंडिंग करो ना, ट्रेंडिंग करो ना. मुझे नहीं पता, मेरे पास वक्त ही नहीं है अपने काम, फैमिली और बच्चे के अलावा, कि ट्रेंडिंग क्या है मुझे नहीं मालूम. अभी तो ट्रेंडिंग यही है काम, फैमिली और बच्चे. हाँ, जो होना भी चाहिए. की है. हाँ, मैं जो पसंद आता है पुराने गाने उठाती हूँ, वो अपना डांस कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, मैं खुश हूँ. मुझे बहुत लोग बोला तेरी लाइक्स बढ़ेंगे, तेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ऐसे वो खाना नहीं है, मेरे लिए खाना ये है. सुकून की नींद चाहिए मुझे. बिल्कुल बिल्कुल. तो नींद से याद आया कि नायरा आसपास दिख नहीं रही है, तो सो रही है. अरे हाँ, जो आती उसकी टीचर आई है इसलिए गई है, तो वो बैठने नहीं देगी मुझे. नहीं नहीं, मैंने, मुझे लगा मैं लाइव नहीं जा पाती. अच्छा, अगर वो होती तो लाइव नहीं जा पाती. मुझे लगा सो रही होगी. तो मतलब नायरा की बेस्ट चीज क्या लगती है आपको? नायरा की हर बच्चा अपनी माँ के लिए ब्लेसिंग ही होता है, माँ बाप के लिए. पर एक होता है ना कि हाँ जिद करती है, रोती है, चिल्लाती है, वो एक अलग भी है. पर उसको एक बार बता दो वो समझती है, क्योंकि हमने बचपन से एक चीज की है, हम बात करते हैं उससे. सो नायरा एक साल की हुई, उसने चलना शुरू किया, 15 दिन में उसको भागना था तो गिरती थी. और वो 1.5 साल की उम्र से उसने जो बात करना शुरू किया है, आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो उसके साथ. अभी वो 3 साल की है, वो हिंदी और इंग्लिश बोलती है. 1.5 साल की उम्र से शुरू हो गया था, मतलब 1.5 साल से वो बात करना शुरू कर दिया था उसने. इंटेलिजेंट मॉम डैड, इसलिए मतलब माँ बाप अगर इतने इंटेलिजेंट होंगे तो ये असर तो आएगा ही. क्योंकि ऑल्सो ना वो बच्चों को आ ले 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 ओ ले ले मत करो, दैट्स नॉट द लैंग्वेज वी टॉक. हम जो लैंग्वेज में बात करते हैं, बात करो, बच्चे हैं वो, इंसान है.
बिल्कुल समझते हैं लैंग्वेज, आप क्या ओली लिली कर रहे हो, लाइक यू नो आई एम लिटिल अगेंस्ट दैट, मुझे ऐसा लगता है कि यार टॉक तो वो बात करती है, उसको भूख लगती है बताती है, उसको नींद आ रही है वो बोलती है, स्लीपिंग टाइम, रीडिंग बुक टाइम, सब बोलती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बचपन से जो ग्रूमिंग है वो बहुत बड़ा असर डालती है। तो मैंने कहा ना 1.5 साल से 7 साल तक जो सिखाओगे जैसी नींद बनाओगे वैसा ग्रो होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं आपके बचपन की, तो जस्सी बचपन में कैसी थी, मतलब क्या जस्सी को अपने बच्चे में अपने आप को देखती है कि मैं भी ऐसी थी? जब नायरा को मैं देखती हूँ और मैं लिटरली आई कॉल हर अ ब्रैट, और मुझे विशाल क्या एक्चुअली विशाल का रिएक्शन होता है, वो ऐसे बैठेंगे ऐसे देखेंगे दोनों को फिर बोलेंगे सेम सेम। सो ये होता है हमारे साथ। इंटेलिजेंट डैड पे गई है, एजुकेट लाइक पढ़ाई को लेकर थैंक गॉड डैड पे गई है। अच्छी बात है। और पूरा पिक करना डांस को बोलो, अभी मैं संडे एक वीडियो डालूंगी टीवी पे देख के फॉलो, हम दोनों डांस कर रहे हैं टीवी में देखकर, और वो हर चीज वो ऐसे पिक करती है। सो ऑफकोर्स हम सैड इसलिए कि कोरोना की वजह से स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं, मुझे उसको स्विमिंग में डालना था, आई वॉन्टेड हर टू यू नो आई नो एक अलग फ्रस्ट्रेशन है पेरेंट्स की बच्चों को लेकर, अब जो बंद 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 है उसमें वो बहुत ट्रबलसम है, बिकॉज बच्चों की एनर्जी इतनी है वेंट आउट कहाँ करें, बिल्कुल वो डिफिकल्ट होता है। ये तो चलो एक टाइम पीरियड चल रहा है और कहते ना वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, ये टाइम भी जाएगा। राइट बैक, मतलब जब जस्सी स्कूल में पढ़ती थी, जस्सी कॉलेज में गई, वो सारा टाइम कैसा था? उस टाइम भी एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे? हम मार्च पास में सबसे पहले रहती थी मैं, झंडा लेकर मार्च पास में, एंड देन मेरा रनिंग जब हम फिफ्थ में आए थे, हमारा स्कूल जो दोपहर का होता था यू नो टिल फोर्थ, उसके बाद मैं जब फिफ्थ में आई थी, मैंने नाइन्थ की लड़की के साथ कंपटीशन किया था 400 मीटर। अच्छा, मतलब स्पोर्ट्स में भी सबसे आगे? या भागने में, रनिंग। एक मिनट, मैं ना मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि जो मैंने इतनी सारी तारीफ की थी, वर्सेटाइल एक्ट्रेस, डांसर और एक अच्छी वाइफ, अच्छी माँ, उसके बीच में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, एक अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप रखने वाली, मतलब एक अच्छे क्या बोलते हैं एथलीट कह लेते हैं ना, एक अच्छी एथलीट भी थी जस्सी जी। वाओ, मतलब नई नई चीजें ऐड हो जा रही, मुझे तो कहते ना कि आपसे बात करके पता चल रहा है कि इतना कुछ और है। कुकिंग भी अच्छी कर लेते होंगे फिर तो आप? कुकिंग मुझे कोरोना लॉकडाउन कुकिंग नहीं सिखा सका तो ठीक है, मैं समझ गया। तो या रनिंग, देन लॉन्ग जंप आई वाज गुड, बिकॉज़ मैं हमेशा से लंबी थी, लंबी रही हूँ, सो आई वाज अप राइट देयर फॉर स्पोर्ट्स। ये बहुत अच्छी बात है। जब हम अगर हम बात करें कॉलेज लाइफ की, कॉलेज लाइफ में आने के बाद कैसी लाइफ थी? ये अगेन मैं चाहूंगी कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स मुझे ध्यान से सुने कि मैं स्कूल के बाद कॉलेज नहीं कर पाई। ओके। क्योंकि मेरे घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और आई वाज द अर्निंग सोर्स। तो दो भाई, ऑफ कोर्स एक बड़ा एक छोटा, मम्मी थे घर पे सिर्फ, और ये माहौल ऐसा हो गया था कि अब मुश्किल है। वैसे भी मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, मम्मी ने बहुत ट्राई किया, सो आई डोंट ब्लेम इट टू देम, या मुझे ओ मुझे घर से निकलना पड़ा मेहनत करने, ऐसा नहीं है, मुझे सपोर्ट मिला था, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो मैं बाहर निकली। तो फिर मैं एक पॉकेट मनी बोलते ना, पॉकेट मनी कमाने निकली थी, हेल्प हो जाएगी, पर पॉकेट मनी इतनी नीड में बदल गई कि मैंने काम शुरू कर दिया। तो मैं इंडस्ट्री में लिटरली, Now you can understand कि मैं स्कूल के बाद अगर मैं इंडस्ट्री में आई हूँ 1987 में। 1987 तो 98 से मैंने प्रॉपर काम शुरू किया था इंडस्ट्री में। Okay. I'm very old in industry. मतलब इतने ज़्यादा साल हो गए, दो दशक से ज़्यादा। हाँ, दो दशक से ज़्यादा हो गए, तो ये तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और वर्चुअल इंटरव्यू की खासियत ये है कि एंकर ही दर्शक बन के तालियां बजाता है और सब कुछ, है ना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे सुनाई दे रहा है सबकी तालियां। वो अपने घरों में बज गई सबके, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है इंडस्ट्री में रह के, मतलब इतना टाइम
आप हो और लोग आपसे आज भी प्यार करते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही थी कि बहुत सारे लोग तो गायब हो गए, है ना, तो अगर आपको कहीं भी रहना है तो आपको वर्सेटाइल तो होना पड़ेगा, है। उसके बाद चलो कॉलेज लाइफ का हम जिक्र नहीं करते, लेकिन मूवीज में है ना कोई मिल गया, मोहब्बतें और उसके बाद जेडी, और लाइन बहुत लंबी है मूवीज की, इतनी सारी मूवीज में आपने काम किया है। दिल से दिल से दिल से वाज माय फर्स्ट सॉन्ग विद फारा, सो उन लोग चाइना से करके दे हैड कम टू कोचीन, जिया जले जहां चले, सो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग विद फारा। Then Ghumro, my first song with Saroj ji. ऐसा सब हुआ, but Raju sir के साथ, Raju Khan के साथ my first song was Mela. Okay, तो इस उस समय की कौन सी ऐसी memory है जो आप हमारे साथ share कर सकते हैं, क्योंकि starting days से बड़ी movies थी और एक एक आपको star चाहिए होगा उस time, इंसान सोचता है कि हाँ कि चाहे छोटा role मिले चाहे बड़ा role मिले वो matter नहीं करता, but एक start करना है, तो उस time की कोई अच्छी memory जो आप हमारे साथ share करो। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स इसलिए भी मिलते थे बिकॉज़ आई सेड आई वाज ऑलवेज टॉल, तो मैं लंबी पतली सी, आई वांट टू से खूबसूरत बिकॉज़ हम बहुत रॉ आए थे, तो खूबसूरत विल बी अ रॉन्ग वर्ड बिकॉज़ हम छह लड़कियों ने शुरू किया था जिसमें से एक सांवली थी, एक वीटिश है, एक थोड़ी और डार्क थी, एक बहुत गोरी थी, एक यू नो नॉर्मल, ये सब थे हम, वेराइटीज थे, पर हमने वो छो में से ना आप फर्क निकाल के दिखा दो, ऐसे थे हम जब छह खड़े होते थे ना आप फर्क नहीं पहचान सकते, सो जिसमें से हम आज भी चार वैसे ही दोस्त हैं 22 साल हो गए। ओके, हम आज भी दोस्त 22 साल से आज भी, तो गेट टुगेदर पार्टीज अभी भी होती हैं, बहुत होती है। आई डोंट नो अगर आपने नेहल देखा होगा, उसमें नेहल हमेशा लिखती हूँ मैं, अभी उसका बर्थडे भी गया था, अन्नु है, नहीं वो वंदना है, वो तो अभी वंदना है, सो काफी लोग हैं, लाइक काम्या आई हैव नोन सिंस 22 इयर्स, हम साथ में थे। ओके, तो जब सबकी शादी हो गई सबकी, तो सबके बेबी, हाँ बेबी हो गए, तो कुछ चेंज नहीं आया किसी में? टू बी वेरी फ्रैंक नहीं, आज भी वही, अब हमारे ग्रुप में ना वही पुराना एक हमारा कोई डांस का वीडियो आएगा, याद है, और फिर पूरा वो मैसेज चलेगा कि किसने क्या किया था, कौन कहाँ ट्रिप हुआ था, या किसका कॉस्ट्यूम प्रॉब्लम हुआ था, कौन लेट पहुंचा था, किसको डांट पड़ी थी, सब हमारा वो चैट शुरू हो जाता है फिर, तो पूरे यू नो वी लिव दैट मेमोरीज, मजा आता है, मतलब अगर हम उस बारे में, हमने अब्रॉड ट्रैवल किया था, सो इतना कुछ हम कर चुके हैं, हमने एक प्लेट में अगर खाना खाया होगा हम भूखे होंगे, या हम फ्लाइट के मिस होते होते हमने किसी को उठा के डाला होगा गाड़ी में, यू नो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। तो टुवर्ड्स द एंड जब मैं डोला रे गाना कर रही थी, एंड मुझे पहले से ना मेरी मासी कॉम्प्लीमेंट देती कि तो जब डांस करती ना अलग लगती है, तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, एंड शी इज ऑलवेज टोल्ड मी माधुरी दीक्षित लगती है ना, सर आई डोंट नो, मतलब आई डोंट थिंक सो मैं लगती हूँ, बट जब बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया ना तब मुझे समझ में आया कि मैं मुस्कुराती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ, मैं फोर्सफुली कुछ नहीं होता है, मैं मुस्कुरा के करती हूँ। तो जब मैं टोला रे कर रहे थे तो एक म्यूजिक पीस था वो सबको ठीक से आ नहीं रहा था, तो सरोज जी भी थोड़ा ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है बोल रहे हैं, देन संजय सर बोल रहे थे कितना टाइम लग रहा है, तो रिहर्सल कर रहे हैं, सब रिहर्सल कर रहे हैं, माधुरी ऐश्वर्य एवरीबडी इज ऑन सेट विद ऑल द डांसर्स, आई थिंक 30 या 50 गर्ल्स होंगी या 15 बॉयज, इतना जूनियर आर्टिस्ट पूरा। तो सर को, संजय सर को मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा रिहर्सल अच्छी लगी, तो बोले जस्सी से डांस करवा, तो सबको बोला सब लोग हटो जस्सी डांस, साउंड किया, मैंने अपना वो म्यूजिक पीस किया, उसके बाद वन टेक ओके गया सबका, ओके तो सब ऐसे हो गए ना, आई वाज सो ओवरवेल्म्ड आई कैन से, मेरे को इतनी शर्म भी आ रही थी कि यार ये क्या हो गया, everybody came to me including Madhuri Dixit and Aishwarya and they're like you are very good yaar ek one take okay ho gaya, matlab agar Madhuri ji ne compliment kiya hai to matlab main samajh sakta hu us cheez ko ki main aaj bhi ye kehta hu ki Madhuri Dixit meri favorite actress hai, she's no doubt very brilliant, unka dance unka grace aur because I'm so blessed maine unke sath as a dancer kaam kiya hai, maine as an actor bhi maine ek ad kiya tha unke sath, to abhi bhi main jab milti hu she knows me, aisa nahi hai ki koi hai,
तो अभी भी हम बात करते हैं कोई कोई चीज को लेकर, वो कमाया है मैंने। हाँ, ये तो बात है कि आप सामने वाले को याद हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, और हमेशा याद रहो, ये मतलब ये कमाने वाली बात है। तो अगर मैं बात करूं विशाल भाई की, मतलब है ना, कैसे मिले, वो क्या समीकरण थे, लव मैरिज हाँ। तो इसलिए जब मैरिज लव मैरिज होते हैं तो स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है बहुत। तो मुझे वो स्टोरी जाननी है कि किसने पहले प्रपोज किया, क्या जस्सी ने प्रपोज किया या विशाल भाई ने प्रपोज किया, कौन है वो जिसने ये हिम्मत जुटाई कि हाँ मैं बताऊंगा, या ये नेचुरली हो गया? एक्चुअली नेचुरली हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक। हम जिम करते थे और हमारा दोनों का एक्चुअली ट्रेनर सेम था। ओके, ट्रेनर सेम थे ना, बट मैं सुबह जाती थी और नहीं, वो दिन सुबह जाते थे आई थिंक लिटिल अर्ली आफ्टरनून, और मैं रात को शूटिंग के बाद जाती थी। तो फिर हमारा टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ और हमारा टाइमिंग ऑलमोस्ट जैसे वो निकल रहे हैं और मैं आ रही हूँ, वो हालत होती थी। फिर ऐसा और टाइम हुआ कि आधा घंटा हम साथ में होते थे। okay. और विशाल, ट्रस्ट मी, वो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे, बात तो बहुत दूर की बात है। तो यू नो, वो उनका वो चश्मा पहनते थे और ऐसे आए, वर्कआउट किया, चले गए, वो अपने ही एटीट्यूड में रहते थे, ऐसे कॉल हिम वेरी एरोगेंट और एटीट्यूड वाला। और मैं एंटर करती हाय हेलो, दिस इज हाउ आई हैव बीन टू यू नो एवरीबॉडी, नहीं मैं रिलेट कर सकता हूं। ये होते हैं, मैं भी ऐसे हूं। तो मैं ना उनको इनडायरेक्टली छेड़ा करती थी। ओके, सर आपके सर का हो गया तो मेरा वर्कआउट करे क्या, मतलब ऐसा वाला। अच्छा, मतलब लेडी सिंगम टाइप वाला फील रहता था ना हमेशा। ठीक है, मैं समझ गया। आगे क्या, तो कोई बिना बात करे कैसे रह सकता है? यू नो फॉर मी इट्स लाइक मैं किसी को चुप नहीं देख सकती, आज भी मैं किसी को चुप नहीं देख सकती। दस बजे जाके बात करती हूँ, हाय व्हाई यू क्वाइट, मैं ऐसी हूँ, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डोंट यू टॉक, मैं ऐसी करती हूँ। सो फिर हमारा टाइमिंग, और तभी बीबीएम का जमाना था, फिर कोई कोई चीजें ऐसी हुई दैट यू नो ही मैंने कोई दो तीन बार ऐसी चीज हुई जो मैंने कुछ बोला और वो हुआ, सो ही स्टार्टेड बिलीविंग इन मी कि बोलती है तो होता है। एंड देन बीबीएम में फिर पोस्ट आते थे तो पता चलता था कौन कहाँ है, अच्छा यू वांट टू कैच अप, वहां से फिर हमारा जिम के बाद उस टाइम की बात है जब बीबीएम ब्लैकबेरी वाले मैसेजेस चलते थे 2014 यार तब का। फिर हम जिम के बाद गो डाउन जो साइकिल पे बूस्ट होता था, हम वो पीते थे। अच्छा, फिर वहां से बात करते 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 वी वेंट वंस, चलो भूख लगी लंच डिनर पे चलते हैं, दैट्स हाउ इट जस्ट फ्लो में चले गया। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैठा और आई थिंक आई एम फॉलिंग टाइप्स, नहीं है। सो यू नो वी वर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड कि कुछ है या क्या है या वो पुल है। एंड देन इट इज स्लो, बिकॉज़ जब भी उनसे अगर आप पूछोगे ना किसने पहले प्रपोज किया, वो तो वैसे बोलते जस्सी ने किया, और मैं ऐसे लुक गई थी उनको ये कब हुआ नहीं तो पर किया किसने असली में, अभी तक ऐसा क्लियर नहीं किसी ने, नहीं बट आई थिंक इट वाज़ द बहुत जब बॉन्ड बहुत क्लोज हो गया था ना, तो ही सेड कि आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू, तो मेरे लिए थोड़ा वैसा आई थिंक क्या है, ही सेड आई थिंक आई एम फॉलिंग फॉर यू, तो मैं ऐसे थी कि यार या तो आगे बढ़ो या यहीं रुक जाओ, यू नो, बिकॉज़ क्या होता है आप एक, बिकॉज़ आज भी आप मानोगे मैं और विशाल बात करने के टाइम हम बोलते वी नीड टू टॉक एज फ्रेंड्स। ओके, आज भी हम दोस्तों की तरह बात करते हैं, वी डोंट टॉक एज हस्बैंड वाइफ जब हमको कोई बात करनी हो, क्योंकि एज हस्बैंड वाइफ बात करते तो आर्गुमेंट्स हो जाते हैं। नहीं हां ये तो है, पर ये भी जरूरी है, आर्गुमेंट्स भी जरूरी है। हां, पर मुझे लगता है विशाल भाई ज्यादा बोलते नहीं होंगे, उनको लगता है कि एक सीआईडी वाली मेरे घर बैठी है, वो गलती भी नहीं करते होंगे। पहले नहीं बोलते थे, I'm telling you ना, he was more like in shell, मुझे ऐसा लगता है ये बोलता क्यों नहीं, ये बंदा इसको क्या प्रॉब्लम है, you know, why he can't open up, वो नहीं open up होते थे। आज तो मतलब you talk to me and you'll become friends with him, ऐसा है। चुप करा के दिखाओ, मतलब ऐसा ऐसी सिचुएशन आती है। Yeah, he you'll connect with him, ऐसे। ये तो अच्छी बात है, तो एक पॉजिटिव चेंज की लाइफ में, तो ये तो आगरा गई थी। तो अफकोर्स मेरे घर पे नैनी, हम दोनों के पास पेरेंट्स नहीं है, हमारे पास नैनी है, और
विशाल ने ध्यान रखा है नायरा का. सो स्वीट. सो मैं वो एक होता ना जिंदगी भर नहीं भूलूंगी. एक बार मेरा रात को एक बार फेस टाइम कर दीजिए. मैं हम भी अभी मैं और विशाल फुल डे हम एक दूसरे को फोन नहीं करते हैं. काम की बात होगी तो मैसेज करते हैं या थोड़ा है ना अगर सर दर्द था तो पूछेंगे हाउ यू फीलिंग नाउ. दैट्स इट. पूरा दिन हम एक मैसेज तक नहीं करते. बिकॉज आई थिंक इन रिलेशनशिप इन एनी रिलेशनशिप ऑफ एनी फ्रेंडशिप ऑल्सो फेस बहुत जरूरी है. नहीं तो वो चोक जब होता है ना तो आप यू पुश बैक. वो नहीं होना चाहिए. तो ये बहुत बहुत अच्छी एक स्टोरी जो आपकी लाइफ की थी पहली बात. और दूसरी बात जो इस स्टोरी के बीच में मैसेजेस है ना जो बातों बातों में मिले जो इस जनरेशन को समझने चाहिए जो देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. और मतलब मुझे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब कितना क्यूट कपल है. ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर कपल के बीच. बहुत जरूरी है. तो ऐसे ही अगर मैं अगली बात करूं सीरियल्स में जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल अनुपमा में भी बढ़िया रोल आ रहे हैं. पुराने इतने सारे सीरियल्स मैं देखता था. और अपना फेवरेट कौन सा है आपका सीरियल कि हाँ ये वाला सीरियल में मुझे मजा आया. मुझे ना हर कोई मुझे हर कोई पूछता है बट अगर मैंने ये कहा ना कि ये है और या वो है आई एम रॉन्ग. आई बी वेरी रॉन्ग. तो मैं जब जो कैरेक्टर करती हूँ ना मैं उसके अंदर रहती हूँ. आप मैं बिकॉज मैंने अनुपमा किया एज देविका अनदर लेवल. उसके साथ मैंने शक्ति किया परमीत जो मेरा अभी भी चल रहा है. अनदर लेवल. कॉस्ट्यूम अलग एटीट्यूड अलग. ये पॉजिटिव नेगेटिव है. सो मैं मुझे पूछते कौन सा बेटर है कौन से कौन सा बेटर है. क्योंकि मैं जब देविका हूँ मैं देविका हूँ. जब मैं परमीत हूँ मैं कंप्लीटली परमीत हूँ. तो अगर मैंने कहा कौन सा बेटर है ना आई एम नॉट लॉयल टू माई वर्क. तो जब मैंने सीआईटी किया दो साल आई वॉज काजल. जैसे मैंने बेटियां आज तक लोग पहचानते हैं मुझे. मेरा कैरेक्टर पिक कर लो आपको कोई मैच नहीं मिलेगा. हाँ ये चीज बिल्कुल सही है. और इसी बारे में मैं अपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें लाइक देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि अगर आप कोई भी सवाल जस्सी जी से पूछा चाहते हैं मतलब निसंकोच होकर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए और एपिसोड के एंड में आपके सारे सवालों के जवाब दोगे ना. हाँ तो मैं जस्सी जी से सारे जवाब पूछ लूंगा. तो नेक्स्ट सवाल मेरा यही था कि चलो कोई फेवरेट है ये मैं मानता हूँ नहीं है पर जैसे आजकल हम स्टोरी शुरू से देखते आ रहे हैं ना डेली सोप का एक सेट पैटर्न है हमेशा से कि सास तेज है या बहू तेज है या किसी ने खाने में बहू खाना बना रही है तो जेठानी ने आके उसमें मिर्चें ज्यादा डाल दी. चने किसने चढ़ाए गए. हाँ किचन में कौन था मतलब है ना कसौड़े में कौन था. ये सारी चीजें ये काफी टाइम से चलती आ रही है. एक दौर था जब कसौटी जिंदगी की कहानी घर घर की क्योंकि साजी की बहू थी. ये सारे सीरियल्स लोग पाली हिल के स्ट्रीट पाली हिल के स्ट्रीट इतने सारे एपिसोड्स आपने उसके किए हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि हाँ इतने सारे एपिसोड्स के लिए एक ही जैसा फील हो रहा है. ये मैं पूछना चाहता हूँ. ये बहुत जरूरी बात है कि इतने सारे एपिसोड्स करते करते बंदे को ये फील होने लगता है कि यार ये एक ही चीज मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ऐसा फील हुआ कभी. ये होता है ये कभी कभी होता है. अब मैं जैसे केस स्ट्रीट पाली हिल आई वाज पॉजिटिव कैरेक्टर और मुझे एक कपूर ने लॉन्च किया था तो मुझे लगता रोज आज फिर रोना है आज फिर रोना है आज फिर रोना है. तो मैं ऐसी थी कि और सुबह सुबह तो मत रुलाओ यू नो सात की शिफ्ट में. और तभी 12 घंटे का सिस्टम नहीं था. नाउ पीपल आर लकी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना आज के जनरेशन बहुत लकी है. हमको इन टाइम मिलता था हमारा आउट टाइम नहीं होता था. हमने सात सुबह सात की शिफ्ट में रात के 2:30 बजे पैकअप किया है फिर 7 बजे आए 4 बजे पैकअप किया है फिर घर गए नहाए वापस आए हैं. और ट्रस्ट मी मैंने वहीं पर रहकर मुझे ऐसा होता था 2 दिन हो गए घर जाने तो मुझे नहाना है. ये होता था. मैं सेट पे ही रहती ब्रश व्रश सब सेट पे ही रहता था मेरा. मेरी मम्मी आती थी मुझे सेट पे मिलने के लिए कि मेरी बेटी की शक्ल तो दिखाओ. तो ये होता था. बट कभी कभी ऐसा लगता था सेम है सेम है सेम है. बट फिर मैंने विद टाइम वही सीखा जैसे जब मैंने बेटियां किया मेरे सेम है आज सेम डायलॉग है आज सेम चीज कर रही हूँ आज सेम कर रही हूँ. कल मैंने ससुर जी को डांटा था आज दामाद को डांट रही हूँ मैं आज ये कर रही हूँ. बट फिर मैंने बोला नहीं जैसे यही है यही चलेगा तुम अलग क्या करोगे. वहां से मैंने खुद से सीखना शुरू किया. ऑफकोर्स हमारे विल बी लकी हमारे सीनियर एक्टर्स हमको बहुत हेल्प करते थे तो
मैं जब देखती थी बहुत लोगों के पास जाते थे हेल्प के लिए न्यू एक्टर्स, मैं सोची पता नहीं यार कैसे इन लोग रिएक्ट करेंगे, बिकॉज आई वाज वेरी न्यू वेरी रॉ जब मैंने केसरी 2005 में किया. तो बाद में मैंने हिम्मत जुटा के अश्विनी कालसेकर के पास गई. मेरे पास 5-6 पेज का सीन था और मुझे बोलना है और 1.5 पेज बिना किसी के कट कुट के बोलना है. एक होता ना आर्ग्यूमेंट, 1.5 पेज मुझे बोलना है. मैं गई पेपर लेके अश्विनी पास, आई सेड एश प्लीज हेल्प, क्योंकि आसान नहीं था, हमारे बहुत कट टू कट सीन्स चल रहे थे. उसने एक बार पढ़ा खुद, दूसरी बार मुझे पढ़ के सुनाया, तीसरी बार पेपर रख के उसने मुझसे बोला. I'm getting goosebumps, I'm not joking. Next day मैं आई, मैंने उसी ऐसे किया. तरीका क्या था कि समझ के करो, समझ के करो, तुम समझो कि ये टॉपिक क्या है, तुम किस चीज के बारे में फील 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 ले लो उसकी, तुम कैरेक्टर में घुस जाओ, तो ये फिर होना शुरू होगा. बिकॉज आप इतने साल से जब आप कैरेक्टर करते हो ना, हमने अभी पीछे ऐसा हुआ था, फ्रीज आया डिफ्रीज नहीं आया, तो लाइंस नहीं आए थे, स्क्रिप्ट नहीं आई थी, स्क्रीन प्ले था, हमने कर लिए अपने हिसाब से. ये एक्सपीरियंस ही होता है, ये रोज लाइफ में एक एक्सपीरियंस मिलता है जिससे आप सीखते हो. ये होता है, ये होता है, बिकॉज देन यू फ्लो. अब जब मैं बात कर रही हूँ, मैं स्टार्ट में हम दोनों ऐसे थे कि क्या शुरू करें, पर क्या हुआ, शुरू हुआ, अब हम फ्लो कर रहे हैं. स्टार्ट का है, स्टार्ट में कैरेक्टर समझना टाइम लगता है, लुक समझना टाइम लगता है. नए लोगों को हमको बहुत लाइट कहाँ से कट रही है हमको नहीं पता, कहाँ पहुंचना है, अच्छा मार्क मिस हो गया है. बट टच वुड हैव बीन टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैं डांस कर चुकी हूँ, मैं स्टेज शोज कर चुकी हूँ, मैं पोजिशन में बिना देखे मैं पहुंचती हूँ. राइट लेना आता है मुझे, ये सब पहला था, तो उससे और चीजें हेल्प होती है. सो दैट्स बीन लाइक आई एम लकी. ये तो लकी भी, और मतलब जिसने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया हो, छोटी छोटी चीजें सीख के आगे बढ़ा हो, वो इंसान लकी नहीं कहूंगा मैं, बट ये आपकी मेहनत है जिस वजह से आज आप यहाँ. मैं हमेशा कहती हूँ, आप कहते हैं ना, हम ये होता है, ये हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ के लोगों के साथ भी होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें फल क्यों नहीं मिलता. फल क्यों नहीं मिलता, बिल्कुल, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. आप सोचो, आप एक्सपेक्ट मत करो, आप मेहनत करते जाओ. नेकी कर कुएं में डाल, कहते हैं, और कहते हैं फल की चिंता ना कर, मेहनत कर फल की चिंता ना कर. यू विल सरप्राइज कि ये कहां से आ गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था. वो जो खुशी है ना, वो बेटर है. जबकि आप, मैं सोचूंगी कि आप शाम तक मुझे लाके देने वाले हो, आप शाम को नहीं लाए, आपका रीजन है आप भूल गए, आपके पास टाइम नहीं था, मैं ऐसे हो गया, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था आप लाओगे. जब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया एंड यू जस्ट ब्रिंग वन रोज, आई बिलीव एक अलग चमक है आंखों में, खुशी है, दिल में अच्छा लगा. तो इसी से एक अगला सवाल इसी से जोड़ के मैं कर लेता हूँ. कभी ऐसा हुआ कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज विशाल भाई ने दिया हो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये हो गया? मैं एक्चुअली मैं नॉन रिएक्टेबल इंसान हूँ, मैं रिएक्ट नहीं करता. मुझे अगर आप बहुत बड़ा सरप्राइज, आप बोलोगे ना 10 करोड़ की लॉटरी लगी, आई विल बी लाइक ओह रियली वाओ दैट्स नाइस यार. बट जितना मुझे देख के लग रहा है आप एक्सप्रेसिव तो हो. मैं फुल ऑन एक्सप्रेसिव, मैं आपको बुरा फील नहीं करने दूंगी, मैं आपको अच्छा फील करवाऊंगी फॉर श्योर. इफ आई टेल यू आई लाइक द शर्ट यू आर वेयरिंग विद बोथ द स्लीव्स एंड इट्स लाइक अ तिरंगा फील, इट्स लवली, सी यू फील बेटर. बट ये सच था कि ऐसे ही बोल दिया? सच है, बस इतनी क्लिप निकाल के मैं शेयर कर दूंगा आज ही. सो आई फील, सी कमिंग टू अनदर थिंग, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जनरेशन अप्रिशिएट करता था किसी भी चीज को, और हमारा जनरेशन ऐसा रहा है ना कि अगर आप मेरे उतने अच्छे दोस्त नहीं है ना, तो मैं आपको ऐसी चीज नहीं बोलूंगी जो आपको बुरा लग जाए. तो मैं आपके उस दोस्त को बोलूंगी जो आपको बोल सकता है या हिम्मत रखता है. तो मेरे जो फ्रेंड नेहल है, इट बिकॉज 22 साल ऐसे हुआ है कि मैं रेडी होकर आई हूँ घर में एंड शी इज वेटिंग इन द हॉल और आई एम लाइक चल Let's go, you know, for the event. She's like, क्या पहना तुमने? मतलब वो जो एक्साइटमेंट वो पूरा फट जमीन पे कि क्या बोल दिया. ऐसे फ्रेंड्स होना जरूरी है, ऐसे फ्रेंड्स की रियल वाले जो आपको आईना दिखाएं. आई हैड टू चेंज बिकॉज उसने मुझे क्रिटिक बन के
खराब बोल दिया, मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के बाहर कैसे जाऊं? ये चाहिए दोस्त, ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं कि अरे क्या कमाल क्या सुपर, अरे वाह, मतलब यस मैन नहीं होने चाहिए आपके आसपास, हमेशा वो होने चाहिए जो आपको रियलिटी दिखा, सच बोले, जो आपको बोले कि हाँ ये सही है या गलत है। या तो मैं ऐसी हूँ, आई एम अ सरदार, और मैं हफ्ते बोलती हूँ, मतलब मैं खुद बोलती हूँ कि डिड यू सी माय नेल पॉलिश, आई एम सीरियसली सेइंग दिस इज अगली कलर, हाँ जी इट्स एन अगली कलर, नहीं अगली तो नहीं है अच्छा, नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मुझे पता ही अगली कलर है, बट मैंने पहना क्योंकि मेरे हाथ पे अच्छा लग रहा है। अच्छा, आई एक्सेप्ट, ये अगर आप एक इंसान करना शुरू कर देना ठीक है, जिंदगी सेट है, हाँ? मतलब जिंदगी सेट है उसके, जो बंदा अगर ऐसे, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कल को अगर किसी ने मुझे बोला है योर नेल पॉलिश सो अगली, आई नो, हाँ हम मेंटली पहले प्रिपेयर्ड है कि हाँ मुझे पता है क्या बता रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो फर्क नहीं, सही बात है। So coming back to surprises, Vishal has given me surprises of क्या बोलते हैं, he's fought his family, he's fought his world twice, मतलब मेरे लिए। अच्छा, पैसा है कि मैं शादी तो इसी से करूंगा, वो he surprised me, he's always like me going to Agra, he taking care of Naira, he surprised me. So for me surprise is not a gift. वो नहीं है मेरे लिए सरप्राइज, मेरे लिए सरप्राइज है जो ये किया है, जो ये क्या है, मैं मतलब बैठी हूँ घर पे और सडनली ही इज कम, आई यू कम अर्ली, हाउ कम, ये सरप्राइज है मेरे लिए, ये नहीं कि वो क्या लेकर आए हैं मेरे लिए। सही बात, मैं एक कुल्फी में खुश रहती हूँ, ट्रस्ट मी, ही ब्रिंग्स दैट फॉर मी। तो कल बोल रही थी ना तेरे को कुल्फी खाना है, मैं लेकर आ गई, इज दैट, ये चीजें मुझे, छोटी चीजें, जब आप छोटी चीजों में खुश रहोगे ना, ट्रस्ट मी आपको बड़ी चीजें मैटर नहीं करेंगी। ये ऐसा नेचर, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, अब नए नए प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, जैसी हमें किस नए रोल में दिखेंगी, क्या प्लान है, मतलब तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करें तो। शक्ति जा रहा है ऑफ एयर 1.5 महीने में, एंड अनुपमा ऑन एंड ऑफ है, अनुपमा मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं शक्ति कर रही थी, बट अनुपमा में शायद मैं वापस आ रही हूँ। सो इफ द ट्रैक इज गोइंग गुड, आई हैव नो इशू, मैं यहीं रहूंगी, अगर नहीं तो ऑफकोर्स मैं अभी तक आई शुड नॉट से बिग, बट हमारा शूट नायगांव में होता है, इट्स लाइक 1.5 आवर 2 आवर फार, मुझे 3 घंटे भी लग जाते वापस आने में 7 to 7 की शिफ्ट में, तो मैं नायगांव की शूटिंग नहीं ले रही हूँ अभी फिलहाल, और अगर हाँ पास में कुछ अच्छा मिला तो करूंगी। फिलहाल मैंने एक्चुअली OTT के लिए फर्स्ट टाइम एवर एक कैरेक्टर प्ले किया है जो 7 तारीख से सीन है, इट्स कॉल्ड क्राइम एंड कन्फेशन, 70s की स्टोरी है एंड आई एम प्लेइंग द रिपोर्टर, और मेरा फुल वो तब का लुक क्या है तो कॉल बच्चन साहब, मतलब क्या लुक दिया है मुझे, एक्चुअली बच्चन साहब लग रही हूँ, विद अ शॉर्ट हेयर एंड बूट्स एंड यू नो बेल बॉटम्स जैकेट, क्या है वो फोटो भी डालूंगी, बट मैंने ऑफकोर्स डाला है उसका जो ट्रेलर है वो डाला हुआ है। मतलब इस बार आने वाले टाइम में धमाका होने वाला, बड़ा OTT प्लेटफॉर्म्स में भी एंट्री होती है, तो अब मजा आएगा, तो वाला ना झूम 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 बाबा ऐसे चलेगा। नहीं नहीं, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, तो आपने फटाफट जवाब देने, मैं कोई ऐसा 30 सेकंड रूल नहीं है, 20 सेकंड रूल नहीं है, ओके, तो मुझे फटाफट जवाब दे। मुझे ना एक चीज और बोलनी इससे पहले, आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स कि प्लीज आई अंडरस्टैंड कि क्या होता है ना, एक बार आप एक उम्र में आ जाते हो, आपको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, पर ये मत भूलिए कि वो जब 5 साल तक के आप थे ना, आपके माँ बाप को पता था कि आपके लिए सही है, सो रिस्पेक्ट देम, आई नो चिड़ आती होगी, आई नो आप स्नैप करते होंगे, पर प्लीज अपने माँ बाप को मत कीजिए, बिकॉज उनके लिए दुनिया आप हो, आपकी दुनिया ऐसी वाज है, यू हैव दिस एंड दैट, योर फ्रेंड्स, पार्टी, ये वो, सोशल मीडिया, बट उनके लिए आप हो, वॉट एवर, काम योर सेल्फ डाउन, क्योंकि वो जब चले जाएंगे ना, वो जो तकलीफ होती है बहुत होती है, आई लॉस्ट माई मदर 3 years back, नायरा 10 दिन की थी, बट मुझे रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने कभी मेरी माँ को उल्टा जवाब नहीं दिया, आई हैव नेवर सेड शी इज रॉन्ग, मैंने हमेशा उनसे बैठ कर बात की, जो मुस्कुराहट अभी भी है मेरे चेहरे पर ये कहने के बावजूद, आई एम नॉट गिल्टी,
तो प्लीज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज उनकी वजह से आप यहाँ पर. सो ऑल द पेरेंट्स, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप सच किड्स. एंड किड्स, आप बिंदास जाके अपने माँ बाप से एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो. आई जस्ट किलिंग नहीं, उनको भी अच्छा लगता है, माँ बाप को भी अच्छा लगता है, पर ये बात बिल्कुल सही है, अपने माँ बाप से फ्रेंक रहो, झूठ ना बोलो और लाइफ की हर बात उनसे शेयर करो, शेयर करो उनको, वेरी इंपॉर्टेंट. मां दादा, आज की जो जनरेशन, जो चलो हम एक बात और ऐड कर लेते हैं अगर बात हो रही है, तो जो आज की जो जनरेशन है वो एक डिप्रेशन, जो ये शब्द है ना, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या कुछ लोग सोचते हैं कि स्टडी का बहुत ज्यादा है, या फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मैटर्स हो गए, तो बच्चे डिप्रेस्ड बहुत रहते हैं आज के टाइम पे. उनके लिए सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स से अगर बात करेंगे तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती. वेरी इंपॉर्टेंट. सी, हम क्या होता है ना कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा किया नहीं था. तो क्या होता है, आप जाकर बात करो, क्या होगा. आज के टाइम में हम वाइब से बहुत कनेक्ट करते हैं. सी, आपके और मेरी वाइब के लिए तो हमारा इंटरव्यू बहुत अच्छा चल रहा है, वी वॉन्ट टू गो मोर. वाइब नहीं कनेक्ट होती तो हम बोलते हैं हाँ यस इट वॉज नाइस, वॉज गुड टू बी हियर. ये होता है, तो वो प्रॉब्लम है. मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, अफकोर्स यू थिंक किसने ऐसा क्यों बोला, फिर जाके बोलो, उससे बात करो, या अपने घर जाके बोलो, उसे खत्म करो, उसे कल मत लेकर आओ. ओवरथिंकिंग हमेशा बंदे को नहीं करो, आप घर जाओ, क्योंकि आपको उस वक्त बुरा लगा है, पर जिसने बोला है वो तो अपने घर जाके ऐश कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, टीवी देख रहा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, व्हाटएवर. इट्स नॉट ट्रबलिंग दैट पर्सन, इट्स ट्रबलिंग यू. यू थिंक कि आपको उसकी वजह से सोचना है, नो, इट शुड नॉट मैटर. हाँ, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, सॉल्व करो, बिकॉज ये जिंदगी हमारी बहुत शॉर्ट है. हमारे 100 साल की लाइफ से हम और कम आ गए हैं, हम 70-80 आ गए हैं. 100 साल की लाइफ नहीं है, 100 साल की लाइफ यानी 50 साल में तो आपकी आधी लाइफ हुई है. आधी लाइफ हुई है, आधी लाइफ नहीं हो रही है आजकल. आप 20-22 में तो ओ माय गॉड मेरी लाइफ तो स्ट्रेसफुल है. कहाँ भाई, कहाँ, कौन, क्या स्ट्रेसफुल है, कौन सी EMI भर रहे हैं तुमको, क्या करना है लाइफ में, सोशल मीडिया, कौन सा फोटो पोस्ट करके आज डालूं तो मेरा कल लाइक्स पता चलेगा, कितने लाइक्स आएंगे. नो, इससे बियॉन्ड है जिंदगी. और डिप्रेशन में आप जा रहे हो, आपका लॉस हो रहा है, गुस्सा आपको हो रहा है, आपका खून जल रहा है, सामने वाले को ट्रस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता. सही बात. तो लर्न दैट, लर्न दैट. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स ये देख रहे हो, उनको ये चीज समझनी चाहिए. मतलब ये तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे मन में भी अचानक से आ गया, और बहुत यूजफुल चीज है सबके लिए. तो इस चीज पे ध्यान देंगे और बैक टू बेसिक्स रैपिड फायर राउंड. जी हाँ, चलो शुरू करते हैं हम अपना सवाल. पहला सवाल मेरी जुबान पे गिरा. तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको दुनिया में कहीं एक बार जाने का मौका मिले, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, बस मौका है कि जाना है, कहाँ जाओगे, क्यों जाओगे, क्या करोगे? लेक कोमो. हम इटली गए थे रोड ट्रिप. इटली में वी ड्रोव नॉर्थ टू साउथ पूरा, जहाँ पे मिलान, नेम इट, रोम एंड पिसा, एवरीथिंग. बट लेक कोमो एक ऐसी जगह थी, वी वर लाइक ये जन्नत है, ये अलग है, यहाँ इतनी शांति है. मतलब विशाल ऐसे थे कि मेरे को अगर मौका मिले ना तो रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ एक छोटा सा बंगला लेकर यहीं रह दूंगा. लेक कोमो इज दैट प्लेस. अच्छा, हमें वही जाना है रिटायरमेंट के बाद. विशाल भाई से भी बात होगी, कुछ बारे में जरूर जिक्र करेंगे. सोशल में क्या चाहता है. चलो, अगर सेकंड सवाल, आपका फेवरेट कार्टून जिसे देखकर आप बड़े हुए हो. टॉम एंड जेरी. टॉम एंड जेरी वो तो फेवरेट है आपका. मतलब मैं और विशाल वही हैं. मैं जेरी हूँ. फिर मैं समझ गया कि टॉम तो पूरा परेशान होता है भाई. जेरी नाक में दम करके रखती है टॉम की. इनडायरेक्टली हमें पता लग गया भाई, विशाल भाई को जैसी मैडम बहुत ज्यादा तंग करती हैं. और मैं समझ गया, कम शब्दों में ज्यादा बात. तो थर्ड, आखिरी 3 चीजें आपने भी क्या खाई. मैंने सैंडविच, मल्टीग्रेन सैंडविच जिसमें ऑमलेट है और हैम, चिकन हैम, ये 3 चीजें एक ही में डाल के, अभी सॉसेज और द सॉस. स्मार्ट स्मार्ट गर्ल. और अगला सवाल ये कि अगर आपको किसी और की तरह लाइफ जीने का मौका मिले तो किसकी तरह जियोगे. सी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. ये हम थोड़े दिन पहले कुछ चीजें मैं सोचती हूँ और मैं उसका थॉट पॉजिटिव निकालती हूँ.
मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक एक्ट्रेस को देखा, एक एक्टर को देखा, फिर मैंने बोला कि यार लोग ना सोचते हैं कि मुझे इसकी तरह जिंदगी जीनी, पर उनकी जिंदगी कैसी रही है किसी को पता नहीं. सो डोंट बी समबडी एल्स, यू बी योरसेल्फ. आप अपने आप को इतना बनाओ कि लोग बोलें कि मुझे इनकी तरह बनना है, इनकी तरह जीना है. तो आई लव द वे आई एम, आई लव माई लाइफ. मैं सोचती हूँ कभी कभी, काश मैं उतना पढ़ लिखा लाइक आई वुड हैव बीन दैट एजुकेटेड. फिर मुझे लगता है शायद मेरी किस्मत में यही था. आई एम कर्मा फॉलोवर. जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ. मतलब ये चीज मैं मानता हूँ कि लाइफ में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. तो अगर आप कॉलेज चले जाते तो शायद आज हम मिल ना पाते. मैं थोड़ी एजुकेटेड ज्यादा होती तो मैं थोड़ी ऐसी होती तो मैं थोड़ा शायद ऑफिस में काम कर रही होती. ओके. और आज कोई मेरी, आज कोई मेरी शर्ट टी-शर्ट की तरह मार रही होती. और आज मेरी, और मुझे आज फ्लाइंग किस भी ना मिलती, मेरी टी-शर्ट की तारीफ भी ना होती. तो अच्छा हुआ भगवान, बहुत बढ़िया किए हो कि कॉलेज नहीं गए हैं, आज हमारी जिंदगी बन गया. तो मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड होती ना, ऐसे बात कर रही होती कि या एक्चुअली जैसे हो बहुत बढ़िया हो. इंसान को ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल सही. अब हाँ, एक सवाल यह है कि अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया, क्या करोगे? मैं वो सब करती जो आज सोनू सूद कर रहा है. हाँ, मतलब वाओ, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड आंसर आया. ये थॉट हमेशा से रहा है मेरा कि अगर, क्योंकि हमने जो फिल्म देखी थी अनिल कपूर के साथ, अनिल कपूर की जो फिल्म देखी, वो एक टाइम एक दिन में, एंड आई वाज लाइक डूड ये है करना है तो ऐसे करो. मतलब इसको बोलते हैं हिम्मत. बिकॉज यू इन दैट, क्योंकि आपको क्या होता है ना, आज आपको एक ट्रॉफी मिलती है ना, आप चार दिन सोचते हुए मेरे को ट्रॉफी मिली, किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया है, शर्ट अच्छा था या ड्रेस अच्छा था लड़की का, या एग्जैक्टली यू इन दैट ओ कांग्रेचुलेशंस. Exactly. Oh, फिर इसकी स्टोरी डालते हैं, माय ट्रॉफी, है ना? तो जब वो मिल गई है, आगे बढ़ो. तो वो फिल्म में वो दिखाया है कि क्या है, इंट्रोडक्शन नहीं करना है, बाद में करेंगे इंट्रोडक्शन, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज थिंग्स. हमारी फिल्मों से अगर आप अच्छी चीजें पिक करें, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. तो अभी तो वी आर होपिंग कि सोनू सूद बन जाए, यू नो, लेट हिम कम अप, बिकॉज ये करना है, नीडी का लिटरली नीडी तक पहुंचना है. क्योंकि अभी जो लॉकडाउन हुआ, बिकॉज माय हस्बैंड इज इनटू बिजनेस, तो मोदी जी ने इतने करोड़ों बिजनेस के जो है उनके लिए डाले थे, बोले पैसे कहाँ हैं. अभी मैंने इतने साल थोड़ा टाइम पहले सुना था कि जो मास्क नहीं पहन रहे वो 200-300 रुपए जमा करके सम 4 crore कहाँ है. यू नो आई एम अ टैक्स पेयर सिंस इयर्स. मैं आज भी जहां जाती हूँ, जैसे मीरा रोड क्रॉस करती हूँ, मुझे 40 रुपए एक वक्त एक साइड का देना पड़ता है, और उसके लिए रास्ते में कैसे मिलते हैं, किस चीज का टैक्स ले रहे हो, किस चीज का पैसा. तो आई एम दैट फाइटर. मुझे चिढ़ आती है, मुझ में गुस्सा है, मैं वैसी भी हूं. क्योंकि मैं बैठकर आपका सुनू क्यों, मुझे कोई खाना खिलाने नहीं आता है कि जैसे तेरे पास आज पैसे नहीं, ये ले रख खाना खा. मैं आपसे डरूं क्यों, आई एम लाइक दैट. सो आई थिंक इसलिए मैं आई एम क्वाइट वोकल, आई से व्हाट इट इज, मैं दिल से बात करती हूं, वेरी ट्रांसपेरेंट. और यही अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए इंसान को, क्योंकि आज के टाइम में लोग फेक हैं, लोग बनावटी हैं. ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ने इन लोगों को मतलब ऐसा कहते हैं पर्दा डाल दिया चेहरे पे, वो बनावटी हो गए हैं. तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं. मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आप आज हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हो, एक ऐसे इंसान के साथ में बात कर रहा हूँ जो बिंदास है. मतलब मैं बिंदास वर्ड यूज करूंगा, माइंड मत करना, बिंदास मतलब कि हाँ जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हें क्या. और ये चीज बहुत इंप्रेस करती है. मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये इंटरव्यू को देख रहे हैं वो मतलब आपसे मोहब्बत तो करते हैं, पर और ज्यादा करने लगेंगे. एक ये वाला जो रूप है शायद अभी तक किसी ने नहीं देखा, जो हमने आज बातचीत करी, जो हमारी नहीं देती. मैं आप कभी भी देखो मेरे इंटरव्यूज, I have stopped giving interviews long back. मैं इंस्टा लाइव नहीं आती इंटरव्यूज, because I don't know, मैं बोलकर क्या कर लूंगी, मैं क्या, मैं को, you know, बीच में कुछ हुआ था, मैम आपका क्या कहना है इसके बारे में, मैंने लिटरली पूछा फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? आप मसाला क्यों ले रहे हो,
ये चैनल्स का होता है कि हमने मसाला लेना है, बट मैं आज के इंटरव्यू को देख के कहूंगा कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला, मजा आया। मतलब कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं कर रहा, कुछ झूठ नहीं है। आपको कैसा लगा आप ये बताओ? I enjoyed. I spoke my heart, so I like it. And I'm glad कि अगर मेरे इस इंटरव्यू से मेरे कुछ कुछ कहने से कोई कोई वर्ड्स या कोई कोई सेंटेंस किसी के दिमाग में घर कर जाए, जो हम भी हमारे सीनियर से सीखे और उनकी जिंदगी में कुछ बेटर हो सके, I'll be glad. वो जो एक माँ बाप की एक यू नो ब्लेसिंग्स निकली होगी वो मेरे मुझ तक अगर पहुंची वो बड़ी बात होगी मेरे लिए। तो हमारा एक स्टूडेंट है राहुल, राहुल पूछ रहा है कि मैम आप इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करते हो, एक टाइम पे दो या तीन रोल्स भी एक साथ चल रहे होंगे, तो उस चीज को मैनेज कैसे करते हो? कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरे सेट पे जाके मतलब करेक्टर दूसरे वाला मन में है या दिमाग में कोई दूसरा करेक्टर चढ़ा हुआ है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं देविका जब बनती हूँ मैं सिर्फ देविका होती हूँ, मैं जब परमीत होती हूँ, बिकॉज़ ये दो मैंने साथ में किया। मैंने बेसिकली उसका सवाल ये है कि हाउ यू मैनेज, ये चीज मैनेज कैसे करते हो? फिल्म स्टडी विजुअल आर्ट्स से है बच्चा। एक स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, वो ए आप में नेचुरल होता है या बी आपको वो वर्क करते करते याद रहना चाहिए। तो मेरे में आई एम ब्लेस्ड दैट मुझ में है वो, सो आई हैव द स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बिकॉज So, you know, the star sign I am, I have been the way I am. मैं अभी हंसते हंसते रो सकती हूँ, रोते रोते हंस सकती हूँ, ये है मुझ में। So, it's always helped me to do a character. तो वो हो जाता है, I think. या तो with time लोग सीख जाते हैं switch on switch off. तो दूसरा सवाल हमसे पूछ रही है अंजलि, अंजलि ये पूछ रही है कि मैम आप हमें सक्सेस मंत्रा दीजिए कि हम लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, टिप्स। So see, जो भी आप बनना चाहते हैं, आप जिस मुकाम पर हैं अभी उसे सीरियसली करें। किसी का राइट लेफ्ट सुने नहीं कि ये अच्छा है, नहीं आई थिंक ये अच्छा है, तो लोग स्विच कर जाते हैं। हम क्या करते हैं, लोगों की सुनते हैं ना, हम करते हैं हाँ यार ये सही है, नहीं वो सही है, दे कंफ्यूज यू। इट्स नॉट दैट बिकॉज दे वॉन्ट टू कंफ्यूज यू, वो हर एक जैसे डैडी बोलेंगे एक चीज, मम्मा बोलेंगे एक चीज, उनके हिसाब से वो सही है, पर आपके लिए क्या करना है, आपको क्या बनना है। हाँ, अगर आप कंफ्यूज हैं देन यू गो टू समबडी हु सीनियर कि मुझे दोनों में से क्या करना चाहिए, बट व्हेन यू फोकस्ड, यू क्वाइट फोकस्ड कि मुझे ये करना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, करते जाइए फॉर इयर्स, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, इट माइट सरप्राइज यू समडे। और जब आप एक ही जगह एक ही मिशन में रहेंगे ना, यू विल रीच टू वेयर यू वॉन्ट टू। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो बात एंड में हमने करी, बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिसने पूछा उसे के लिए नहीं, सभी के लिए। तो इसी के साथ समय का अभाव, एक सरकारी जिसे वो पहले न्यूज वाले नहीं करते थे, समय का अभाव होने के कारण हमें ये इंटरव्यू की समाप्ति की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो इसी के लिए मेरा तो सीरियसली मन नहीं कर रहा, मेरा मन ये है कि हम बहुत सारी और बातें करें, बट अच्छा लगा। बहुत इम्पोर्टेंट, आप अपना माइंड खुला रखेंगे ना, आपको सिर्फ सीख मिलेगी। अगर आपने नैरो कर दिया कि मेरे हिसाब से ये सही है, मुझे अगर आपका येलो दिख रहा है एक बार, मैं बोलूंगी येलो, आप बोलोगे ये ऑरेंज है, ये मैंने दिमाग बनाया हुआ येलो है, मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं आर्ग्यू कर रही हूँ, क्यों? जिसने पहना है उसको पता है कि मुझे पता है, जो बीत चुका है उससे उसको पता है। हमारा कुछ टिप होगा, कल को हम मुंह बनाएंगे एक दूसरे के सामने, क्यों? आई ऑलवेज से लाइफ इज वेरी शॉर्ट, फॉरगिव पीपल, डोंट फॉरगेट, फॉरगिव करो, ताकि वो रिग्रेट ना हो कल यार मैंने इसके साथ बुरा किया था, वो नहीं करो। And don't judge people, yeah. Don't judge people. You're nobody to judge people. और किसी को ये ना बोलो कि आपका कुछ गलत हो या you know you did this to me ना, now see. क्यों भाई? क्यों? जब आप ये सब चीजें हटा दोगे ना, trust me, आपको जो नींद आएगी